भैया अंदर बंद है अभी थर्ड दिखा आइए थर्ड दिखा ये यहाँ से लेनी है दीपी की और ये सुबह शाम की ये इधर से ले इधर बैठ जाओ कुर्सी और बैठ जाओ माइक उसने विजिट किया, किस तरह की फैसिलिटीज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे रहे हैं? बात यह है कि हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, डॉक्टर जब MBBS करते हैं ग्रेजुएशन डिग्री, उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स को मौका नहीं मिलता है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकें, क्योंकि उसके लिए सीट बड़ी लिमिटेड होती है। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी ये DNB कहते हैं इसको, डिप्लोमा नेशनल बोर्ड्स बेटा नेशनल बोर्ड, उसके थ्रू ये जो चीज़ें हैं इसमें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो हमने भी इससे पहले अप्लाई किया था, जैसे कि हमारी मेडिसिन की असेसमेंट हुई थी अगस्त में, तो वो अब हमें कल मिल गया है कि हम आप यहाँ पर
जो गवर्नमेंट है पीजी कोर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूंछ में जैसे मेडिकल कॉलेजेस में लोग पीजी करते हैं ऐसे यहाँ पर भी स्टार्ट हो। सिमिलरली दूसरा जो हमारी ब्रांच थी वो थी सर्जरी की। तो आज जो असेसर आए थे हमारे ये डीएनबी के अंडर ये आए थे और इन्होंने असेस किया सर्जरी की ब्रांच को। तो जो हमारे सर्जन यहाँ पर हैं तीन जो वो चला रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या यहाँ पर पीजी कोर्स सर्जरी का भी दिया जा सकता है या नहीं उसकी असेसमेंट थी। उसने हमारे हॉस्पिटल की जो डिफरेंट सेक्शंस जो सर्जरी के साथ कंसर्न है जैसे उन्होंने इमरजेंसी को चेक किया, इमरजेंसी ओटी को देखा, उसके बाद उन्होंने वार्ड में जहाँ पेशेंट एडमिट होते हैं उनको चेक किया, उसके अलावा उन्होंने ओटी जाके ऑपरेशन थिएटर में देखा जहाँ ऑपरेशन होते हैं पेशेंटों के, उनके टेस्ट कहाँ करवाए जाते हैं, चाहे वो लैब है, चाहे वो एक्सरे है, चाहे वो हमारी सीटी स्कैन है, ये सारी चीज़ें असेस करने के बाद उन्होंने आइडेंटिफाई करके जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो सारों को मद्देनज़र रखते हुए मुकम्मल किया है। और ये असेसर जो हैं ये श्रीनगर से भेजे थे, नेशनल डीएनबी जो बोर्ड है उन्होंने भेजे थे कि असेस करके आएँ, अगर हम इस चीज़ को क्वालिफाई कर सकते कर गए तो हमें दूसरी ब्रांच जो सर्जरी है उसमें भी हमें वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स डीएनबी का स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमारा मेडिसिन का अप्रूव हुआ है जिसमें दो सीटें होती हैं। तो देखिए यहाँ के लोगों की ज़्यादा एक डिमांड हमेशा रहती थी मेडिकल कॉलेज कोर्स, मेडिकल कॉलेज कोर्स। बेसिक चीज़ें यही होती हैं मेडिकल कॉलेजेस में कि वहाँ पर पीजी का कोर्स स्टार्ट होना चाहिए। वो हमने उसका कर लिया है, एक ब्रांच में हमने ले लिया है, दूसरी के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। और मोस्टली इसमें एक फ़ायदा और ये होने वाला है इसका कि जो डॉक्टर्स हमारे सीनियर डॉक्टर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं जब भी गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करेगी तो हमेशा उसकी जगह सीनियर डॉक्टर ही आएगा। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर ना भेजे और यहाँ से ट्रांसफ़र कर लें। एक तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमेशा डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। दूसरा लोग जो हैं